हाय हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ।
जो उसने वर्मा ने इसमें स्विच किया एंड ये स्टॉल एंड सेरा मेरी सिस्टर्स लेकर आई हैं जो इस पे और चार चांद लगा रहा है एंड आज हम रेडी हैं अपने एक बड़े दिन के लिए। सो मेरी लाइफ का ये यू टर्न है एक और जो कभी पीछे नहीं आएगा और हमेशा आगे चलता रहेगा। दुल्हन से तो मिलने आए हैं और अब प्रिंस आ गए अपनी प्रिंसेस को लेकर जाने के लिए, वो लेकर जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ से हम तो 3-4 दिन से पीछे हम पंजाबी फैमिली हम नाचने गाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और हम 3-4 दिन से वही कर रहे हैं, हम सोए नहीं हैं, बस हम सिर्फ फंक्शन दे कर रहे हैं और आज भी हम पूरा नाचते हैं यहाँ पर भी और घर के वहाँ पे बाहर भी। सो हमने बहुत इन्जॉय किया एक्चुअली। मैं आई रियली डोंट नो क्या थीम है, ये नहीं पता मुझे, बट अभी अंदर जाके देखता हूँ। यूवी ने सब कुछ किया सो आई नो वो करेगी तो बेस्ट ही करेगी। यस एक मिनट बात करना। सो लुक कुछ नहीं, मुझे बहुत मुझे पता था कि यूवी डार्क पहनने वाली है एंड मुझे था कि उसको मैच करने के लिए मुझे कुछ लाइट पहनना पड़ेगा तो मैंने ये कलर चूज़ किया एंड साथ में कुछ मैच करने के लिए मैरून स्टॉल लिया। सो मुझे पता है जो वो कुछ भी पहन के आएगी तो मैं उसका मैच करूँ। यस ये मेरी सिस्टर की चॉइस है उनको क्योंकि मैं कपड़े ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे जो मिलता है मैं वो पहन लेता हूँ पर मेरी सिस्टर्स एंड यू भी सब मुझे ये पहनो उसमें बिलीव करते हैं तो ये सब कुछ उनकी है, मैं कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों ने क्या क्या एडवाइस दिया है? दोस्त नहीं है मेरे सिर्फ भाई हैं और भाई सिर्फ मेरे साथ हैं, वो जैसे हम रहते आए हैं वैसे हम रह रहे हैं वैसे ही रहते रहेंगे और बस वो मेरे साथ हैं, वो मेरी खुशी में मेरे साथ हैं और मेरे दुख में मेरे साथ हैं। फैंस के लिए हमेशा ये है थैंक यू सो मच गाइस, आज हम यहाँ पर हैं शादी कर रहे हैं सब कुछ अगर आप हमें पसंद करते हैं हमारी हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो आपकी वजह से मिली है एंड हम कोशिश करेंगे लाइफ टाइम ऐसे चलती रहे एंड आई लव यू एंड हमें आपको ब्लेसिंग चाहिए, आप ब्लेसिंग दो। थैंक यू गाइस। जी सर क्या कहना चाहेंगे, आज प्रिंस और योमिका की शादी है, कितने एक्साइटेड है, क्या तैयारी है? एक्चुअली आई एम द हैप्पीएस्ट दैट दीज टू आर गेटिंग मैरिड बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड प्रिंस दैट योमिका इज द वन फॉर यू इवन व्हेन आई वाज इन द बिग बॉस हाउस। सो अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेस लव एंड आई होप दिस इज लाइक फॉरएवर फॉर देम एंड या आई एम सो हैप्पी एक्चुअली ट्रूली आई एम हैप्पी। ओके व्हाट डू वांट टू से अबाउट बिग बॉस 12? एक्चुअली बिग बॉस नहीं देख रही बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ कंट्री एंड आई जस्ट गॉट बैक बट आई हैव हर्ड फ्यू नेम्स, एक्चुअली बैठ के देखना पड़ेगा, आई डोंट नो बिग बॉस करने के बाद देखना कुछ अलग लगता है सो आई कैन से एनीथिंग बट इन बिग बॉस हाउस जोड़ी है अभी। My favorite is Salman Khan in Big Boss House. I only watch for that. Simple. Thank you.
फाइनली हो रही है. दे हैड बीन डेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड गुड दैट दे हैव कम इन टू फाइनली आर बिरादरी ऑफ मैरिड कपल्स. टिप्स आई थिंक उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत सही सिलेक्ट किया. दे लुक वेरी कंपैटिबल, दे लुक सो स्वीट, दे एक्चुअली गिव ऑफ कपल गोल्स. सो आई थिंक अभी उन लोगों का वक्त है आगे वाले लोगों को एडवाइस देने का. अभी हम थोड़ा सा और एडवांस हो चुके हैं. ऐसी बात जो कि जो फैंस को नहीं पता, युविका को पता नहीं, बहुत ज़्यादा डाइट करने का शौक है. वो इतनी पतली है फिर भी पतले होने का डाइट कर रही है. मुझे नहीं पता कि वो क्यों करती है. तो आई डोंट नो, मे बी इवन द फैंस नोज एंड, पर मुझे ऐसा लगता है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. पर हाँ, उसकी अभी अभी शादी हुई है, आज से वो बहुत ज़्यादा खाने वाली है और ससुराल में बहुत ज़्यादा स्वागत होने वाला है मिठाई के साथ. तो गुड दैट शी हैज़ डाइटेड एंड शी डू सम बिंजिंग आफ्टर दिस. मेरे पति को ऑलरेडी भेज दिया है. ये मैंने एक काम किया अच्छा कि मुझे बहुत टाइम लग रहा था तो मेरा पति बहुत बेचैन हो रहा था शादी में आने के लिए. तो मैंने बोला चलो युविका एंड प्रिंस, जस्ट टेक माय हस्बैंड एंड गेट एंटरटेन, आई एम कमिंग एंड जॉइनिंग लेटर. नो नो, नॉट रियली, नॉट टुडे. आई थिंक उन लोगों का डांस वांस शुरू हो गया है तो मुझे जल्दी से जाके देखना है. एंड इम्प्रॉम्प्टू तो कभी भी शुरू हो जाते हैं, मैं और गुरु जहाँ पे भी होते हैं. थैंक यू सो मच गाइज. एक्चुअली आज हमारी शादी हो चुकी है. सो अब ऑफिशियली वाइफ है. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ और इतनी केयरिंग केयर करने वाली वाइफ मिली है. सो आप सबका थैंक यू, आप सबका, जितने भी लोग प्यार करते हैं उन सबका, क्योंकि हम आज जो भी हैं सबके प्यार की वजह से हैं. और हमेशा हम काम करते रहेंगे, दिखते रहेंगे और पेंटिंग करते रहेंगे. पर अभी राइट नाउ हमारी जो लाइफ नई शुरू होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि आप सब हमें ब्लेसिंग दें, क्योंकि ये लाइफ का एक सबसे नया मोड़ है जो जो बहुत अगर अच्छे तरह निकले तो सबकी लाइफ बहुत ऐसी होती है. मैं चाहता हूँ आई थिंक द फर्स्ट वन जिसने मुझे अभी थोड़ा फील कराया है, मिसेस नरुला. इट फील्स, इट फील्स ग्रेट. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन. आई थिंक मैंने लाइफ में ही सोचा था कि मैं अपनी शादी को मैं इतना इंजॉय करूँगी. आई एम गोइंग मैड. आई थिंक मैं लड़का हूँ और प्रिंस लड़की है. आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू ऑल इतना प्यार देने के लिए. आपने हम लोगों को प्यार में बांधा है. आप भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस चीज़ का, तभी हम लोग साथ में हैं. आप लोगों को हमने हमको आप लोगों ने प्रविका बनाया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इट फील्स ग्रेट टू बी मैरिड. आज का दिन आप दोनों के लिए खास है, बहुत स्पेशल है. तो आप दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया है, थोड़ा सा आपके फैंस लोगों को बताया. आप ये हर लड़के का और लड़की का आपस में, लाइक हमारी तरह जो भी शादी करते हैं उनका एक प्रॉमिस होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ खुश रहें और मैं कोशिश करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें. और
चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सो मैं चाहता हूँ कि अपने पूरा घर छोड़ कर आ रही हैं अपना और नए घर में एंटर कर रही हैं, तो इनकी खुशी का मैं ध्यान रखूँ। मैं इससे पहले जवाब देता हूँ। आई थिंक जब लड़की एक्चुअली अपनी शादी के लिए रेडी होती है ना, तो वो नूर और जो निखार है ना, वो अलग निकलता है। और आज इनका यही है, मैं इनको कितनी बार देख चुका हूँ, चाहे वो शोज में है, चाहे वो फैशन शो में है, जब यू नो दुल्हन बनती है, और जब आज एक्चुअली बनकर आती तो मैं, मेरी फैमिली सब हम सिर्फ देख रहे हैं। Love you. She's been saying this and we've been just talking and talking. Everybody's like, hold on, our shaadi hui hai. Thank you so much everyone. Please eat. Ma'am, just 1 minute. पहले तो मोस्ट अवेटेड वेडिंग ऑफ द ईयर, हम लोग प्रिंस भाई के पीछे पड़े हुए थे कि कब शादी करो कब शादी करो, एंड फाइनली दैट डे हैज कम। एक्चुअली काफ़ी लोग जो बिग बॉस फॉलो करते हैं, जो रियलिटी शो फॉलो करते हैं, एक्चुअली पूरी इंडिया इसका वेट करी थी, एंड फाइनली दैट डे हैज़ कम। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली द पीपल हु लव ईच अदर आर गेटिंग मैरिड, एंड दे लुक अमेजिंग टुगेदर, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, एंड आई वुड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द लाइफ अहेड। मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा मुझे। आपकी तरफ से क्या तोहफा था? मेरे तरफ से तोहफा देना बाकी है, अब देखेंगे अभी स्टेज पे देंगे। टिप्स तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो सबसे छोटा भाई हूँ उनका, और मेरी शादी हुई नहीं, थैंक गॉड, टाइम है अभी। बट जैसे मेरे बड़े भाई बोलते हैं रणबजे भाई, की बीवी की हाँ में हाँ मिलाओ और बाकी सब ठीक रहेगा। सबसे पहले कितने एक्साइटेड है प्रिंस और युविका एक होने जा रहे हैं आज के दिन, उनकी शादी है, कितने एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट एट इट्स बेस्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, भाभी घर आ रही है, भाई की शादी है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड और ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक लव मैरिज है, और मैं प्यार पर विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो प्यार पर विश्वास करते होंगे। प्यार करें तो सच्चा करें, जैसे इन्होंने किया। वो लोग बोलते हैं कि वो रियलिटी शो में जोड़ियाँ नहीं बनती, मैं कहता हूँ कहीं भी बन सकती हैं, कॉलोनी में बन सकती हैं, क्लासरूम में बन सकती हैं, कहीं भी आते जाते बन सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये प्यार जेन्युइन है कि नहीं। अब प्यार जेन्युइन है तो वो मुकाम तक पहुँचता है, और आज पहुँच रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है प्रिंस और युविका की? मेरे साथ तो बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लग रहा है भाभी आप फाइनली घर आ रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, एंड प्रिंस इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। प्रिंस है ही ऐसा सा कि वो सबके इतना क्लोज आ जाता है, इतना स्वीट है वो, तो प्यार ले लेता है वो छीन के। बहुत प्यार करता हूँ प्रिंस। आज के दिन पे क्या खास है? एडवाइस ये देना चाहूँगा, भाई देख, मेरे बस की तो नहीं शादीशुदी, तूने करनी थी तूने कर ली, पर मुझे पता है भाभी बहुत अच्छी हैं, तू हमेशा खुश रहेगा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड मैं सारे जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी नागिन के फैंस हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको ये बोलना चाहूँगा, जितना भी प्यार आप नागिन को दे रहे हैं, जितना भी प्यार आप मुझे दे रहे हैं आज के लिए, प्लीज़ उसे कन्वर्ट कर दीजिए ब्लेसिंग्स में, और प्रिंस और युविका को दीजिए, उनको बहुत ज़रूरत है, उनकी शादी आज। आज आपने अपनी तरफ से क्या तैयारियाँ की थी, मतलब लुक को लेकर, और क्या तोहफा लाया आज दोनों के लिए? आज बहुत सारे तोहफे हैं जो मैं आपको फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन तैयारियाँ चल ही रही हैं। महीनों से हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं शादियों की, तो बहुत सारी चीज़ें अभी ढोल भी बज ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, मैं नाचने की तैयारी में हूँ। लास्टली क्या बेस्ट विशेज देना चाहेंगे प्रिविका को? बेस्ट विशेज, देखिए आवाज़ें आ रही हैं आपको, उन आवाज़ों में से एक आवाज़ मेरी भी सबसे ऊँची वाली होने वाली है। बेस्ट विशेज यही है कि भगवान आपको आप हमेशा खुश रखे, साथ रखे, कभी आपके आर्ग्यूमेंट्स ना हो, जो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ना हो। मैंने काम किया एनिमी में, और इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक्चुअली अफरा तफरी में भी था, अनफॉर्चुनेटली दैट फिल्म डिडंट रिलीज, और So I think Prince and Yuvika sounds also absolutely right. Your name, शादी के बाद नई शुरुआत होने जा रही है, कुछ
टिप्स हाँ काफ़ी साल हुए मेरे शादी के हुए तो आई थिंक यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज यू गॉट टू बिलीव इन ईच अदर खास करके फ्रॉम अ मैंस पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से युविका को काम करने देना चाहिए शी शुड कंटिन्यू वर्किंग बिकॉज शी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है एंड ट्रीटिंग योर पार्टनर विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन देखिए मैं इसे ट्रेंड नहीं कहूँगा आई थिंक ये हमेशा से होना चाहिए था शुरुआत तो हुई है लेकिन अगर उस गांव तक पहुँचे जहाँ वो अन्याय ज़्यादा हो रहा है आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा आई सपोर्ट द मूवमेंट कम्प्लीटली और मेरा बस यही कहना है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को फ़िलहाल तो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात हो रही है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ बरसों से ये होता आ रहा है कहीं ना कहीं आगे जाकर ये इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है लोग कॉशियस रहेंगे और कॉशियस ही नहीं रहेंगे उनको पता भी चलेगा कि द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी रियली रियली बैड साथ साथ इसका मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक आके बोल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप जब सार हो जाता है लोग उसकी उसे बेस पकड़ के बातें करें आई थिंक दैट शुडंट हैपन आई थिंक द लॉ इज़ टेकिंग इट्स कोर्स जुडिशरी आ चुकी है इसके अंदर और बहुत सारे केसेस और FIR लॉन्च किया हुआ है तो आई थिंक वी शुड वेट टिल वी प्रूव समवन गिल्टी आज के लुक के बारे में सिंपल लुक है A simple suit from Just Men's and that's it. मैम लुक सेंटर मैम आई एम मच मोर क्लोज टू प्रिंस मैं उनको अपना भाई मानती हूँ एंड सिंस द टाइम वो युविका के साथ हैं तब से वी जस्ट बीन हियरिंग ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड आज आई थिंक वो स्टोरीज़ को एक अच्छा मुकाम मिल गया दे आर गेटिंग मैरिड टुडे एंड उन सबसे ज़्यादा हम ज़्यादा एक्साइटेड थे वेन एवर वी यूज़ टू सिट अलॉन्ग वी ऑलवेज यूज़ टू डिस्कस शादी पे क्या करना है एंड द डे इट इज़ टुडे धमाल तो यही है कि भैया के जूते चोरी होने नहीं देने हैं सो ऑल ऑफ दोज स्मॉल स्मॉल थिंग्स वॉट वी एक्चुअली सी ऑन टीवी आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट एवर सो क्लोज वेडिंग अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली जो मैं अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट दे बोथ आर ब्यूटिफुल कपल एंड दे सेट अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ अस एंड उनको देख के लगता है कि आज की डेट में भी यू नो देर इज लव and they compliment each other very beautifully and I hope that they live very happily together and the next waiting is the small little baby I guess I'm being too greedy right now but then yes I so want to see it thank you so much and I love you both thank you also looking beautiful can you tell us about your look I just tried to play with some cool, nice colors yesterday also for the Sangeet I wanted to have some different color and today I'm wearing light pink just to you know lighten the occasion a little bit so yeah I was actually very excited about my dresses so kaafi time se acche designers dhoond ke I finally come down to these two designs thank you so much thank you so much बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और प्रिंस युविका की शादी हो रही है ज़्यादातर बिग बॉस में लोग पब्लिसिटी के लिए अफेयर्स करते हैं और बाहर आके वो जोड़ियाँ टूट जाती हैं आई थिंक ये पहली जोड़ी है जो शादी कर रही है
एंड युविका को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ एंड मैं हमेशा उसे कहती हूँ उसने बिग बॉस सिर्फ प्रिंस को मिलने के लिए किया था. सो सुपर सुपर हैप्पी और तैयारियाँ आई मीन दिस ड्रेस इज फ्रॉम ज़ाफ मासूमा नाम जोशी. शी जस्ट ओपन अ बुटीक एंड दैट्स इट. और तैयारियाँ नहीं, मैं शादी नहीं अटेंड कर पाई, आई वॉज शूटिंग एंड सुपर हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. युविका मेरे से बहुत क्लोज है, युविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और 12 साल से मैं जानती हूँ. जब उसने जी सिने स्टार्स किया था उसने मेरा कज़न था उसमें, सो उससे मैं तब मिली थी एंड आई रिमेम्बर बस जर्नी बढ़ती गई और टचवुड 12 साल से आज भी ज़्यादातर इंडस्ट्री में दोस्तियाँ बरकरार नहीं होती बट हमारी बरकरार है. अरे हाँ यस ओके फाइन, फ्राइडे रिलीज़ हुई है और चीची मामा की इतने टाइम बाद फिल्म आई. आई सॉ द प्रोमो, ही इज़ हीरो नंबर वन एंड ही विल ऑलवेज बी हीरो नंबर वन, एंटरटेनर नंबर वन. आई थिंक वो युविका को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. आई थिंक चीची मामा भी आने वाले हैं, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्टेस्ट. आई एम गोना मीट हिम एंड लव द प्रोमो एंड all the best to the entire team of Friday. Any best wishes for Privika? Privika, God bless you, wish you a very happy married life and bless you. That's it. Thank you so much. Yes. तो आज प्रिंस नरूला जो मेरे दिल के बहुत ही पास है और बहुत ही मेरा ख़ास है और ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी शादी हो गई. ओ माय गॉड, मतलब उसकी शादी है लेकिन एक्साइटमेंट मुझे बहुत है एंड आज रात पूरी की पूरी रंगीन होने वाली है बिकॉज़ मैंने उसके लिए सरप्राइज़ परफॉर्मेंस रखी है. कंटिन्यू. हाँ तो आज रात बहुत ही मस्ती होने वाली है बिकॉज़ आज मैंने प्रिंस नरूला के लिए सरप्राइज़ परफॉर्मेंस रखी है जिसमें कि वो भी परफॉर्म करेगा एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि हैप्पी मैरिड लाइफ, हमेशा खुश रहो एंड गॉड ब्लेस यू. और कुछ किस चीज़ की एडवाइस? प्रिंस को मैं एडवाइस क्या दूंगा, वो खुद ही इतना समझदार है, किसी की एडवाइस की उसे ज़रूरत नहीं है. बस अच्छे से अपनी लाइफ को वो चलता रहे और ऐसे ही जैसे जल्दी जल्दी वो सारे शो जीता, जल्दी जल्दी उसने शादी कर ली, जल्दी जल्दी वो देखो मैंने बोल तो दिया था कि राज खोलूंगा लेकिन पक्के दोस्त कभी राज नहीं खोलते. क्या बेस्ट विशेस देना चाहिए आज? बेस्ट विशेस मेरी यही रहेगी हमेशा कि हाँ बेस्ट विशेस मेरी यही रहेगी कि हमेशा वो खुश रहे, अपनी फैमिली को खुश रखे जैसे वो अभी रख रखा है और बहुत ही जल्दी वो छोटा सा क्यूट सा बेबी आ जाए, छोटा प्रिंस आ जाए. चलो थैंक यू गाइस. एक मिनट.
आगे डालते हैं यार। चलो पीछे पीछे चलो। अरे चलो चलते रहो। चल रहा हूँ क्या 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 बैल भगा रहा है क्या यहाँ से? चलते रहो तू भी यार। अभी नहीं ले तेरा साइड आ रहा है पूरा एकदम सामने। चेक थोड़ा फोटो अपने और बाइक कर ले। I, like I told you, I want to wish them a very, very happy married life, and we are very excited to meet them. I am. Wish them a happy married life. Why would you? Because that's what you wish me. So, and I'm excited to meet them. We have not, I've not met Prince since that's the time. Month. Yeah. We met him, and we've been shooting with him, and he's such a crazy boy, and it's so much fun to work with him. Yeah. वो बहुत सारे फ्रूट्स खाता है। हाँ शाम की 7 बजे के बाद खाता है, जो सुरभि उसको अलाउ नहीं करती तो हम चुप चुप के खाते थे। हाँ ओके ओके। पर्ल पर्ल भी यहाँ पर आया है, आप नागिन यहाँ पर पूरा टीम है, तो क्या कहना चाहोगे, कितना सवाल आने वाला है? ये तो आपको अंदर चल के देखना पड़ेगा कि पर्ल कितना नागिन डांस करता है और हम कितनी बीन बजाते हैं। नहीं हम एम्प्टी बैग लाए, इसमें खाना डाल के वापस ले जाएंगे और जो भी गिफ्ट्स होंगे जो इसमें फिट हो जाएंगे ले जाएंगे। किसके लिए? प्रिंस के लिए एडवाइस। देखो हेली की शादी नहीं हुई है, वो आई डोंट नो, शादी शुदा हूँ, मुझे पता है एडवाइस डजंट वर्क। हेली चलो एडवाइस। सो व्हेन यू हैव सच अ गुड स्पीकर नेक्स्ट टू यू, आई डोंट थिंक आई हैव टू स्पीक एनीथिंग, शी इज सो फनी एंटरटेनिंग। चलो चलो नहीं मुझे कुछ बोलना है। थैंक यू सो मच। नो नहीं बस एडवाइस ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं एडवाइस कैसे दूँ? हाँ कुछ एडवाइस देना चाहिए कैसे दूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है शादी का, तो मैं कैसे दूँ? सो लेट मी टेल यू ऑल्सो, हेली व्हेन यू गेट मैरिड फाइंड अ मैन हु बिलीव्स दैट द वाइफ इज राइट, क्योंकि जब बीवी सही होती है ना तो शादीशुदा जिंदगी भी सही होती है। थैंक यू। अच्छा अगर आपको शादी करना तो किस तरह का लड़के से शादी करना चाहिए? अगर मुझे शादी करनी है मैं किससे करूँगी? नहीं 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 क्यों मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे? जो मैं जो रक्षंदा मैम मेरे लिए पसंद करेंगी मैं उनसे शादी करूँगी। हाँ मेरे सेट में सब मेरी ही बात सुन। हाँ जी प्रिंस को भी मैंने ही बोला था यूविका से शादी करो। ओके थैंक यू। रणविजय सर क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में? प्रेमिका की शादी है आज, कितना एक्साइटेड है? फाइनली वी आर वेरी एक्साइटेड यार, क्योंकि हमारी जो Our wishes are with both of them. प्रिंस और युविका को काफ़ी टाइम से जानते हैं, मैं प्रिंस को तो बहुत टाइम से जानता हूँ। जब उसने पहली बार युविका का जिक्र किया था, जिस तरीके से किया था और जितने प्यार से उसके बारे में बात कर रहा था, उस टाइम में मेरी वाइफ ने बोला था कि इनकी ज़रूर शादी होगी, एंड सिंस दैट डे वी बीन वेटिंग। आज एज यू कैन सी पसीनों में हम लोग एकदम लखपत है, बिकॉज भाई की बारात है, दोस्त की बारात है, उसमें खूब डांस किया हमने, अभी अंदर भी बहुत नाच गाना चल रहा है। वी आर एंजॉयिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग टू पीपल कमिंग टुगेदर, एंड जब वो अपनी फैमिली में ही हो इट्स अमेजिंग। सारे रीति रिवाज धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द एल्डर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई लाइक द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स आर हियर और सब इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। प्रिविका जैसे कि आपने नाम रखा है, इट्स ऑल्सो लाइक जो भी मतलब फोटोग्राफ वगैरह डाल रहे हैं तो वी कैन सी कि क्या क्या हो रहा है थ्रू दैट हैशटैग, एंड वी आर रियली हैप्पी। आपने क्या टिप्स दिए, क्योंकि आप भी शादीशुदा है, आपने अपनी तरफ से कोई टिप्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स के साथ? एक शादीशुदा आदमी को जितनी मर्जी टिप्स दे दो करना तो उसी को पड़ेगा जो करना है। आई जस्ट थिंक शादी के बाद व्हाटएवर युविका सेज शुड हैपन, बिकॉज़ वाइफ इज ऑलवेज राइट। और आपको भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है फ्रेंड्स
तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप? शादी के बाद लाइफ में एक ही इंस्पिरेशन होती है कि घर पे खुशहाली कैसी रखी जाए, और उसके लिए जो मैंने पहले बोला है दैट युविका विल ऑलवेज बी राइट, उसका अगर वो पालन करे तो खुश रहेगा। बट आई एम रियली हैप्पी कि एक सही टाइम पर सही पार्टनर मिलना चुनना और उसको एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना, एंड यू नो शादी से बढ़कर कुछ नहीं होता, इतनी अच्छी कमिटमेंट है, एंड द टू फैमिलीज आर हैप्पी, एंड हम इफ आई एम एक्चुअली मैं दोनों की तरफ से हूँ, बट अगर मुझे कोई बोले कि मैं प्रिंस के ज़्यादा करीब हूँ, वी आर वेरी लकी टू हैव युविका एज आ भाभी, एंड कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीबॉडी बेटर, शी इज एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। रणवीर जी भाई होने का पूरा फर्क आप निकाल रहे हैं, लेकिन शादी का अंदर मस्ती कितनी होती है? एक्चुअली जो पहला सवाल का पहले जो पार्ट है वो कि भाई होने के बहुत सारे फ़र्ज होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो कभी म्यूज़िक को करना, कभी ये करना, तो बेसिकली सम ऑफ अस ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बीच में जब भी कोई काम होता है, जब उसके बीच में लोगों के साथ घुलना मिलना, अभी जैसे युविका को हमने उठा रखा था, प्रिंस ने भी उठा रखा था, वरमाला हुआ एक्सचेंज, इट्स अ लॉट ऑफ फन, और ये मोमेंट्स बाद में नहीं आते, एंड दैट्स वाई आज की दुनिया में मैंने देखा कि लोग फोटोग्राफ्स और वीडियोस में बहुत मगन हो जाते हैं उनको कैप्चर करने में, बट वी आर लिविंग दीज मोमेंट्स एंड वी वेरी हैप्पी, तो मजा आ रहा है अंदर। आई एम इचिंग टू गो बैक इन व्हेनेवर यू गाइस आर रेडी। थैंक यू गाइस। मैं तो जूते भी चेंज कर ली। मैम रिसेट मैम 1 सेकंड ऑर्डर दिया मैंने, नहीं करने लगे यार। मैम राइट में इधर थैंक यू प्रिंस और युविका की शादी है, कितने एक्साइटेड है और क्या तैयारियां की हैं? Well, Yuvika is a very, very close friend of mine, and I couldn't be more happy than, you know, coming here today and celebrating together with them. She has been waiting for this big day, her wedding, for a very, very long time, and I think Prince and Yuvika, they are like just a lovely, you know, fairy tale kind of couple. So finally, we came here and to celebrate their happiness. So yeah. I kind of got ready here and I can't wait to go inside and celebrate with them. Any best wishes for this couple? Of course, Yuvika and Prince, I love you so much. All the very, very best for you and for your future, and congratulations. I love you both. Thank you so much. रुकी मैम वहाँ पे एक फोटो, मैम जय भाई वहाँ पे जय भाई साथ में फैमिली फोटो, ये जाने दो उधर करते उधर, हाँ जय जय पे सामने, जय भाई लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट सर। रुको एक मिनट मैडम जी, हाँ सारा भाई, हाँ जी बहुत खूबसूरत सा बुके है, और बस फिलहाल यही है, मैं ब्रेसलेट सी बना ऑन रेड कार्पेट है, क्यों लग रहा है? भाई अभी विशाल को देखा तो मेरे को लग रहा है कि मैं तो अंडर परफॉर्म करके आ रहा हूँ, यहाँ पे तैयारी नहीं की है, इसलिए पूरा होमवर्क करके आया यार, मतलब इतना इज लुकिंग वेरी गुड एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट क्या कहते हैं आओ बहन चुगली करे चल रहा है एक दूसरे के बीच में, हाँ सो या गिफ्ट बताओ क्या लेकर आए हैं? युविका को बाद में गिफ्ट यार, लहंगा संभाल लूं पहले गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट नहीं संभालने वाला था, मेरे हाथ में देने वाला था। मैं युविका को यही बोलूँगी कि जो आदमी होता है वो कभी
ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बोले नहीं नहीं यू कैन ट्रस्ट नो, आदमी कभी बड़ा नहीं होता है, सो ट्रीट देम लाइक अ चाइल्ड एंड यू हैव टू बी देयर मदर बस. प्रिंस को इतना ही कहना चाहूँगा दैट क्या कहते हैं, शादी एक पायलट और को पायलट का एक रिश्ता रहता है. जो वाइफ होती है वो को पायलट की तरह आती है लेकिन कब पायलट की जगह ले लेती है और आगे ले लेती है पता ही नहीं चलता. सो या तो ऑटोमेटिकली सब कुछ यू नो ऑटोमेटिकली सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, प्लेन भी ऑटो पायलट पे एक टाइम पे चलना शुरू हो जाएगा. सो यू कैन कंट्रोल दिस थिंग, सब कुछ सही चलता है फिर. दिस इज वेयर द एक्सपीरियंस कम. या दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. या 8-9 इयर्स आई डोंट नो व्हाट दे आर. क्या विश कर, गुड लक एंड मेक बेबी सून, वी वांट टू सी. शादी तो हो जाने दे मां. आप मत जल्दी जल्दी बेबीज करो और क्या. एंड गुड लक फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ. या हमारी तरफ से भी सेम. कोई तो पसीने क्यों आ रहे हैं. बिकॉज़ इट्स टू हॉट. चलो एंड आई एम टू हॉट. टू हॉट थिंग्स टुगेदर. चलो जी मैं बहुत खुश हूँ प्रिंस के लिए. नॉट मैनी ऑफ यू नो मैंने कंटेस्टेंट तरीके रोडीज़ किया था, तब वो मेरे गैंग लीडर रह चुके हैं और उसके बाद मेरे दोस्त बने हैं. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड इज गेटिंग मैरिड. युविका इज़ अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस गर्ल, मैं हमेशा उसको बोलती रहती हूँ ब्यूटिफुल इनसाइड आउटसाइड. सो आई एम रियली ग्लैड उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है. वेरी गुड लुकिंग कपल एंड वेरी गुड लुकिंग कपल फ्रॉम द हार्ट एंड फिजिकली. सीक्रेट प्रिंस इज लाइक एन ओपन बुक. या आप लोग ने उनका बिग बॉस भी देखा है क्या, वो जो है मुंह पे है, कुछ सीक्रेट वीकेट नहीं है. हाँ ये सीक्रेट है कि वो युविका को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो ये तो आपको बहुत जल्द ऑलरेडी पता है या पता चलेगा मैरिज के बाद. आई डोंट नो How many times was he? You're everywhere. एक साल हो गया अब. थैंक यू मैडम जी, पिक्चर देने आप. सर आप भी आओ मेरे एक दोनों जन के साथ में फोटो लेंगे. मैंने बोला ना वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है युविका को लेके. ही सीम्स लाइक अ वेरी टफ एकदम माचो टाइप मैन, एकदम टफ, लेकिन अंदर से व्हेन इट कम्स टू युविका ही एक्सेसिवली इमोशनल. लड़कियों का तो दिखता ही है, लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं एंड दे शो इट, बट इन दिस केस आई थिंक प्रिंस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल. दैट्स सुपर क्यूट. आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आज के लिए क्या तैयारियाँ की हैं स्पेशली आप दोनों ने. थैंक यू सर फॉर द कॉम्प्लीमेंट. दोस्त हमेशा साथ अच्छे लगते ही हैं और हम अच्छे लग रहे हैं. तो कुछ तैयारी नहीं करी यार, हम अंदर जाके बहुत पार्टी करने वाले हैं एंड बहुत कम मिलता है. मैंने जैसे ये बोला ही है आप सभी को कि हम सब एक साथ गैदर होते हैं. सो इट्स हमारे लिए तो मौका है और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं आज वैसे भी एंड ये बहुत अच्छी लग रही है एंड आज और सब बहुत अच्छे लग रहे होंगे. आई एम सो श्योर. सो आई एम जस्ट वेटिंग यार, इट्स बी गोना हैव द ग्रेट टाइम टुनाइट. ओके एडवाइस देना हो क्या एडवाइस देना चाहिए. बिग बॉस 12 मैन हाय एंड मैंने फॉलो नहीं किया बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग. आई फॉलो इट अ लिटिल बिट, नॉट टू मच. जब मुझे टाइम मिलता है मैं देखती हूँ बिकॉज जो हमारे रोडीज और सब में से काफ़ी कोई कंटेस्टेंट्स है और इट्स अ गुड बंच, इट्स अ डिसेंट बंच, नॉट टू स्कैंडलस द वे आवर सीजन पीपल वर्क. क्लासी है, दैट्स व्हाट आई मीन सेइंग. क्लास में मत जाना प्रिया. I can't really tell abhi, it's too soon to decide. I think Shishant is extremely emotional, very expressive and I think wo bahut hi sweet hai, like andar se wo bahut hi zyada emotional expressive aur he seems like he's angry and all but he's actually the most real you could say. Thank you. Tabe kya tumko sab chahiye one more chahiye. Bye 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 pehle visual tracking. हाँ हो गया.
वेल दोनों बहुत ही क्यूट कपल हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं साथ में, और बहुत सारा वार्म अप करके अभी आए हैं हम लोग, सो दैट अभी यहाँ पे बहुत सारा डांस कर पाए। तो मैं प्रिंस को यही कहूँगा कि अब शादी हो गई है तो बीवी जो बोले उसमें हाँ मैं हाँ कर पाए। ये सभी जानते हैं अच्छा डांस करता हूँ, बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी गाना बजेगा बॉलीवुड उसमें डांस कर लेंगे। अच्छा आप क्योंकि मैरिड, आपने कहा कि एक से छुट्टी दी आपने, इसके अलावा कोई टिप देना चाहेंगे आपके प्रिंस के लिए? मैंने यही कहा है कि बीवी जैसे बोले, अगर बोले रात के बदले दिन है तो उसको हाँ बोलना होगा। हाँ जी बहुत सारा प्यार लेके आया हूँ दोनों के लिए, और देवीना पीछे से आ रही हैं, उनके वो बहुत कुछ और भी अच्छा खासा कुछ लेके आ रही हैं, तो उनसे आप ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा आपको मालूम चलेगा। वेल देखिए मीटू मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ सारी लड़कियों को, और मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार कोई भी कुछ भी ऐसा करने से पहले दो बार सोचें, और जो भी बाहर के लोग हैं या जो भी लड़कियां हैं वो जब भी यहाँ पे आए तो सेफ अपने आप को महसूस कर पाए। काफ़ी सीनियर्स लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे सुभाष है और भी है काफ़ी, क्या करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्टैंड है कि क्या रियलिटी है? देखिए जो भी ऐसा कुछ आ रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि हम सभी उनके साथ हैं, सपोर्ट के लिए खड़े हैं, और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं, आप सामने आए और अपने हक के लिए लड़े। पासवर्ड 888 है। चलो I am so happy for them. My association with with this beautiful couple is not very old, but it's not that it's not very deep. We have worked together, Prince and I, in Nagin 3. He's an amazing person, and whatever talk you know I had with Yuvika, she is a phenomenal lady, and I'm so happy that they are together. Of course, you know they have been together, but this is you know finally that stamp of the society that they are married, and I'm really very happy for both of them. All I have to say is, you know, a lot of appreciation because I'm not being biased. I'm a Punjabi, he's a Punjabi. So, बहुत ही उसके साथ पंजाबी कनेक्शन हो गया था. मैं और प्रिंस पंजाबी में बात करते थे तो बहुत मज़ा आता था शूट करने में. And he's just fun to be with, you know. वो बहुत अच्छे से रहता है. And you know, whoever he is, he's a star right now, but he's very down to earth. He's very grounded. He's very nice to people. जो कि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है एक सेलिब्रिटी की. अच्छा कोई एक बेस्ट जॉब इनसे कहना चाहेंगे? बिल्कुल कि आप बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ, इसी तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहें, प्रिंस युविका की बातें मानता रहे और युविका नखरे दिखाती रहे. एंड या वैट दे लुक रियली रियली नाइस टुगेदर, एंड आई विश ऑल द हैप्पीनेस टू बोथ ऑफ देम. Of course, I'm looking forward to the moment कि जब मैं ऊपर जाऊँ और सबसे मिलूँ. We will dance, we'll have fun. Particular songs हैं माइंड में कि all Punjabi songs, of course, all Punjabi. मीटू मूवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड के बारे में बहुत कुछ आ गया है, क्या कहना चाहेंगे?